नमस्कार, मैं बॉबी झा, एमएनएस न्यूज आई में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। पीयूष गोयल ने नुक्कड़ सभा को किया संबोधित। एक्टर रितेश देशमुख के ट्वीट पर कही बड़ी बात। एक्टर रितेश देशमुख के ट्वीट पर सोमवार की रात केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि 26/11 हमले को लेकर रितेश देशमुख ने कहा कि वह दूसरे दिन पहुंचे। मैं स्वीकार करता हूं कि वह वहां गए थे, लेकिन एक फिल्म प्रोड्यूसर के साथ उस वक्त उनके पिता सीएम थे, जहां किसी को जाने की परमिशन नहीं थी। एक फिल्म प्रोड्यूसर को लेकर जाना क्या मंशा थी? कहा कि सीएम ने यह काम किया था, इसलिए उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। सातवें और अंतिम चरण के चुनाव के तहत वाराणसी में केंद्रीय मंत्रियों का जमावड़ा लगा हुआ था। इसी क्रम में मलदैया स्थित लाजपत नगर पहुंचे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने केंद्र सरकार के 5 वर्षों की उपलब्धियों को गिनवाते हुए नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। वहाँ दूसरे दिन पहुँचे, मैं स्वीकार करता हूँ कि वह वहाँ गए। एक फिल्म प्रोड्यूसर को लेकर जाना क्या मंशा थी? 26/11 को लेकर 2013 में फिल्म बनी, सीएम ने यह काम किया था, इसलिए उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। हम राजनीतिक विपक्ष के नेता को जाने को नहीं मिलता, और ऐसे में प्रोड्यूसर को लेकर कैसे जाने मिला? अगर फिल्म प्रोड्यूसर उस स्थान पर घूमने लग गए तो सबूत खराब हो जाएगा। देश की जनता समझती है कि शोक के समय प्रोड्यूसर को लेकर जाने का क्या मकसद हो सकता है। इस फिल्म के लीड रोल में रितेश देशमुख थे, लेकिन किरकिरी होने के बाद उन्हें बैकफुट पर जाना पड़ा। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।